Hey. Oh, you? रिया एक सेकंड छोड़ो, क्या कर रही हो रिया? पाँव में चले आओ हमसे सनम, क्या पर्दा। लिसन 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 लिसन, ओके 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 ओके, या छोड़ो सही, सुनो सही, कोई देख लेगा यार। शर्मा जी, आप तो अपने सरनेम की तरह शर्मा गए, क्यूट। मैं शर्मा रहा हूँ क्योंकि ये जो तुम कर रही हो ना, आंटी होंगी ना घर पे? घर पे कोई नहीं है, मेरा ऑफिस में, आबादी कैंटीन में, मम्मा की कैंटीन में और आर्यन स्कूल में। बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, बोलो कभी ऐसा हो तो क्या हो, बोलो कभी ऐसा हो तो क्या हो। बताओ 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 बताओ, अरे बताने दो ना। बताने दो क्या? नहीं। ओ, ओ, क्या किया? क्या हुआ लगी? हाँ बताओ, मैं बताऊँ। What? अचानक से क्या हो गया था तुम्हें आज? I don't know. I've missed you. जब तुम नहीं होते हो मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। All those moments we shared. पता है माँ को मायरा की सोच रही है, वो चाहती है कि अक्षय और मायरा की शादी हो जाए। ऐसा बोला उन्होंने? बातों से पता चल जाता है। तो अच्छा है ना? नहीं नहीं अच्छा नहीं है, मुझे पहले शादी करनी है, मैं उससे बड़ी हूँ। या एक साल ठीक है। राजेश ये उस टेबल पे दे देना, ठीक है? दी आप कितने बोरिंग हो, सारा टाइम काम काम। दी आई हैव अ सीक्रेट और मेरा बहुत मन है आपके साथ शेयर करने का, सुनो ना। रिया प्लीज यार, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ, बाद में बात करती हूँ प्लीज। आप काम भी तो बाद में कर सकते हो ना, प्लीज मुझे बताना है। ओ फोर या नहीं ना, बाद में। दी ये सीक्रेट ना किसी को नहीं मालूम, आपको सीक्रेट की वैल्यू ही नहीं है। आउच, आउच, आ। रिया, क्या हुआ क्या हुआ? दी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, जब तक ये बात अंदर रहेगी तब तक दर्द ही होता रहेगा। हे भगवान, ऐसी क्या बात है, बता क्या टॉप सीक्रेट है जो तेरे पेट में दर्द हो गया? बैठो बैठो। रिया यार प्लीज नॉट नाउ, बता। ओके, अक्षय लव्स मायरा और वो उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। वाओ, इट्स सच अ गुड न्यूज। वैसे मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा था, मगर मगर क्या? मगर छोड़ना, इसी बात पे कॉफी हो जाए। राजेश तू कॉफी लेके आना प्लीज। चलो। अच्छा है, माँ भी दिन रात सपने बुनती रहती है कि मायरा की शादी अक्षय से हो जाए। गुड, चलो इसी बहाने फाइनली मम्मा को एक सन इन लॉ तो आमी वाला मिल जाएगा ना। अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। मैं तनु से मिलना चाहता हूँ, उसे माफी मांगना चाहता हूँ, मैं उसे बोलना चाहता हूँ कि जो हुआ अनजाने में हुआ, मैं मीडिया को भी बोल दूंगा कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अब मेरे फैंस
मांगने से क्या हो जाएगा भाई? क्या माफी मांगने से जो कुछ हुआ है सब ठीक हो जाएगा? माँ, हमें आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अपॉइंटमेंट मिलेगी? अब क्या हुआ, और साथ में ये आई है, जरूर कुछ गड़बड़ होगी। अरे नहीं नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। सो व्हाट्स न्यू, बोलो। तुम दोनों ऐसे मुझे डरा क्यों रही हो, बोलो तो। वो माँ, वो कल सुबह से रिया के पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या? बस यही सुनना बाकी रह गया था? बेटा, क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में? हैं? मेरे मरने के बाद मैं क्या मुंह दिखाऊंगी तेरे पापा को स्वर्ग में? नर्क में? आपको स्वर्ग का वीजा नहीं मिलने वाला। बता क्या हुआ? क्या है? बता। मम्मा बता। क्या कर रहे हो? मामा ये डेली सॉप की एक्टिंग बंद करो, इतना मेलोड्रामा अच्छा नहीं है। मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहती हूँ। सो बात ये है, आपका एक सपना पूरा होने वाला है। कौन सा सपना? आमी मैन सन इन लॉ वाला है? मैंने आज एक अच्छी मूवी देखी, आई थिंक यू शुड वॉच इट टू। अरे क्या ड्रेस है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मुंबई से लाने का क्या फायदा? रिया तुम ठीक तो हो ना? कौन सी मूवी, कौन सा ड्रेस, तुम क्या बोले जा रही हो? पहले से ही मैं इतनी, वो तो ऐसे ही मुझे मूवी अच्छी लगी तो मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। रिया ऑफिस के तुरंत बाद कौन मूवी देखता है? वैसे भी मेरा दिन बहुत खराब गया है, शिखावत की तो मैं सी, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है एंड आई जस्ट नीड सम स्पेस। आई कैन नॉट टॉक टू यू राइट नाउ, आई एम रियली सॉरी। ओके, इट्स योर लाइफ, यू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू। ओके ओके, रेडी? Amazing. आज ही सारी फिल्म्स देखनी है। Of course. आज ही तो वो रात है जब हम डर का सामना करेंगे। इस लड़ाई में या तो डर जीतेगा या हम। अरे कबीर, अच्छा हुआ तुम आ गए, आ जाओ खाना खा लो। नहीं आंटी, आप बैठिए, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना है, आओ इधर और खाना खा लो। ये क्या है? खुद ही देख लो, मेरे एडिटर ने आज ही भेजा तुम्हारे लिए। क्या ये? थैंक यू कबीर। यू वेलकम। वेल, मुझे दूसरों के टैलेंट को प्रमोट करना पसंद है और मैं दूसरों के क्रेडिट को छीन कर अकड़ दिखाने वालों में से नहीं।